नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र राजस्थान की एक हॉट सीट, जो 2019 में भी हॉट सीट थी और उससे पहले 2014 में भी लगातार हॉट सीट की हैट्रिक नागौर। यहां से मिर्धा परिवार लगातार सांसद का चुनाव लड़ता आ रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस से। परंपरागत कांग्रेस पार्टी से रहे मिर्धा इस बार ज्योति मिर्धा भाजपा में हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। वो नागौर से विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद भाजपा ने फिर से उनको टिकट दिया। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के तहत आरएलपी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं नागौर लोकसभा सीट पर। वो सांसद भी रहे हैं 2019 से अब तक और फिर से वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। वो अभी वर्तमान में क्यूंसर से विधायक हैं। हम मौजूद हैं उनके समर्थक और नागौर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे राहुल भाकर, उनके साथ। हम उनसे जानेंगे क्या ऐसे कारण रहे जो उन्होंने आरएलपी ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा, तमाम तैयारियों और कार्यकर्ताओं के होने के बावजूद क्या कारण रहे, क्या ये ज्योति मिर्धा को हराने के लिए एक प्लानिंग थी, और इस लोकसभा चुनाव में कैसी उनकी तैयारियाँ हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके, बीजेपी से वो कैसे लड़ेंगे जिस बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने पिछला चुनाव जीता। नमस्कार। नमस्कार जी। आप तैयारी कर रहे थे नागौर विधानसभा की, फिर आपकी पार्टी का मन बना या जो भी कारण रहे वो आप जानते होंगे, हरेंद्र मिर्धा ये चुनाव जीते, ज्योति मिर्धा प्रत्याशी थी बीजेपी की। क्या कारण रहा कि सब जगह से कैंडिडेट उतारे और नागौर जो उनका क्षेत्र है यहीं से कैंडिडेट नहीं उतारा गया? देखिए जी, नागौर विधानसभा क्षेत्र के जो समीकरण थे और जो हनुमान जी बेनीवाल की मंशा थी कि हरेंद्र जी मिर्धा लगातार अपने सीनियर वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, तो ये उन्होंने दो तीन चुनाव पहले भी हार चुके हैं, तो सब लोगों की मंशा थी कि जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने टाइम से मिर्धा परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उन सब लोगों की इच्छा थी कि हनुमान जी एक बार आप हमारे कहने से है जो हरेंद्र जी को आप थोड़ा बहुत समर्थन, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, अगर आप कैंडिडेट नहीं उतारते हो तो हरेंद्र जी जीत जाएंगे। और वो बुजुर्ग आदमी है और ये कई लोग कह रहे थे कि उनका अंतिम चुनाव भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि भगवान उनकी बहुत लंबी उम्र करे, लेकिन हनुमान जी ने उनको मदद करके एक मतलब एक नया मैसेज देने का काम किया है। ज्योति मिर्धा से इतनी समस्या क्यों, वो भी तो उन्हीं नाथुराम मिर्धा की पोती है। देखिए, समस्या ज्योति मिर्धा जी से नहीं है, वो चुनाव तीन अटेम्प्ट देख लो आप, तीन चुनाव उन्होंने नागौर से लड़ दिए, वो चुनाव के समय आती है और तुरंत बाद है जो चुनाव होने के बाद वो यहाँ उनसे जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं, ना तो ज्योति मिर्धा के उनके पास नंबर है और ना कोई भी किसी भी प्रकार से वाया मीडिया उनसे ज्योति मिर्धा से संपर्क उनका नहीं हो पाता है, तो हमारी लड़ाई उनके सिस्टम से है, ना कि ज्योति मिर्धा से लड़ाई है हमारी। 5 साल 2009 में जब वो सांसद बनी, उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कार्यकाल की अगर बात करने चाहें तो ज्योति मिर्धा जी ने ऐसे कोई काम नहीं कराए जो वो बता सके जनता के सामने। आप अक्सर मीडिया के माध्यम से देखते हो कि ज्योति जी मिर्धा को जब भी कोई मीडिया वाले काम के बारे में जब पूछते हैं तो वो बात का है जो टाल मटोल कर देती है। आपके आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनाव पिछली बार भी जीते बीजेपी के साथ गठबंधन करके, तब ज्योति मिर्धा कांग्रेस से प्रत्याशी थी, आज वो बीजेपी से है, कितना चैलेंज के रूप में आप पिछले चुनाव से इस चुनाव को ले रहे हैं? देखिए जी, हम चैलेंज की अगर आप बात करो तो हनुमान जी पिछले 25 साल से आप राजस्थान की विधानसभा से लेकर देख लो देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक, अगर जवान किसान दलित और किसी भी तबके की बात करो, अगर उसकी मजबूती से आवाज अगर किसी ने उठाने का काम किया तो वो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने किया। तो चैलेंज तो देखिए, चुनाव है और दो प्रत्याशी है तो वो वोट तो जो छोटी मोटी चैलेंजेस वो आते रहेंगे, लेकिन जो हनुमान जी ने काम किया है उस काम के बलबूते पर हम कहना चाहेंगे कि कोई ज्यादा विशेष चैलेंज की बात नहीं है। क्या क्या काम हुए आप बता सकते हैं? देखिए जी, सड़कों का जो नागौर जिले के अंदर जो उनके सांसद रहते हुए जो जाल बिछाया है वो एक प्रकार से आप देखो तो एक मतलब एक बढ़िया काम उन्होंने करवाया है। और आप पंचायतों के अंदर जाके देख लो, एक भी आपको नागौर जिले की ऐसी पंचायत नहीं मिलेगी जहाँ 5 साल के दौरान जो हनुमान जी के सांसद निर्वाचित होने के बाद ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सड़क नहीं बनी हो। और भी आपको मुद्दे ले लो, चाहे सरकार के अंदर विपक्ष की भूमिका निभानी हो, चाहे किसी भी वर्ग के साथ किसी तबके के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ तो सबसे पहले अहम भूमिका में हनुमान जी बेनीवाल खड़े मिलते हैं। अब काफ़ी युवा हैं, युवाओं में बहुत जोश होता है, बहुत उबालता है उनका खून, चुनाव लड़े जीते, आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आपकी पार्टी ने कहा कि हम हरेंद्र मिर्धा के लिए यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, कोई दुख नहीं हुआ, कोई टीस नहीं मन में? देखिए जी, हम निस्वार्थ भाव से, ना तो हम कोई नेता मानते हैं अपने आप को, हम हनुमान जी की फौज के एक सिपाही है और जिस प्रकार हमारे सुप्रीमो का आदेश होगा उसी प्रकार आगे भी हमें कोई चुनाव लड़ने की लालसा नहीं है, जिस प्रकार हमारे नेता हमें गाइड करेंगे उसी दिशा में हम चलने का काम करेंगे। क्या कारण है हनुमान बेनीवाल को आप इतना पसंद करते हैं, ये शुरुआत कब से हुई? देखिए जी, पसंद करने का कोई एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं, हनुमान जी जो उनका संघर्ष है
जो उन्होंने जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी सामंतवादी ताकतों से, किस प्रकार राजस्थान के नेता के जो मिलाजुली का खेल चल रहा था, उस मिलाजुली को खेल को अगर खत्म करने का राजस्थान के अंदर किसी ने काम किया तो हनुमान बेनीवाल ने किया। आप कब से लगे हुए आरएलपी में, कब से हैं? देखिए जी, मेरा तो जो हनुमान जी के जो पिताजी है स्वर्गीय रामदेव जी बेनीवाल, उनके टाइम से मेरा परिवार है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी जो हमारा सामंजस्य है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या लगता है इस चुनाव में आप कैसे ये चुनाव निकालेंगे, कि आप मार्जिन रहेगा? बिल्कुल जी, हमारी जो तैयारियां हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर, वो युद्ध स्तर पर है। हम पूरा जो रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं, और पॉइंट टू पॉइंट है जो हनुमान जी खुद है जो इस चुनाव की फीडबैक ले रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है, और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव अपन लड़ेंगे और हनुमान जी को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। आप अपने फ्यूचर को, अपने आप को कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में रुचि कैसे आई? देखिए जी, अभी तो वर्तमान में मैं मेरे जो भी मेरे चाहने वाले मेरे भाई हैं जो मेरे को सुनना पसंद करते हैं, या फिर मेरे किसी भी प्रकार से मेरे से वो लगाव रखते हैं, उन लोगों की विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं होता है, एक थोड़े बहुत अपन देखें कि आजकल के युवाओं को छोटा मोटा वो अगर वो बोलना सीख जाते हैं या फिर किसी भी एक्टिविटी में वो एक्टिव होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम बड़े लेवल पर चले जाएं, नेता बन जाए। तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपन एक अच्छे प्राणी बनकर, अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति बनकर जीना मैं पसंद करता हूं। कब से शुरुआत हुई, कहाँ से सीखे ये आक्रामक भाषण देते हैं आप? मैंने देखा मंच पे बड़ा बेधड़क आप बोलते हैं, डर नहीं लगता स्टेज पे युवा लड़का ऐसे जाके, इतने लोग बैठे हैं उनके सामने? बिल्कुल जी, आपका सवाल है जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम जिस व्यक्ति को फॉलो करते हैं वो व्यक्ति हमेशा अपनी बेबाकी कारण ही उसकी पहचान हुई है, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो इस बार फिर से हनुमान बेनीवाल को सांसद बनाने की पूरी तैयारी? बिल्कुल जी, पूरा नागौर की जनता ने पूरा मानस बना लिया है। अब खैर, ये तो चुनाव तो देखिए ये तो एक प्रक्रिया है कि भाई वोटिंग होगी और वोट पड़ेंगे, बाकी मैं आज ही आपको नागौर लोकसभा के नतीजे बता दूं, हनुमान जी बेनीवाल बड़े मार्जिन के साथ जीतकर लोकसभा में जाएंगे। क्या मांगे नागौर की, कुछ प्रमुख मांगे जिनको आपको लगता है वो सांसद बनके पूरा करेंगे? 75-80 साल के अंदर नागौर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो 5 साल हनुमान जी ने जो पिछले सांसद बने थे, अपन देखते थे कि जो अपने संसद की जो टीवी होती थी, इस चैनलों को कोई कभी पता ही नहीं चलता था कि मतलब ऐसी कोई चीज भी होती है, लेकिन हनुमान जी के लोकसभा में जाने के बाद लोग उन चैनलों को देखने लगे कि किस प्रकार सांसद है जो अपनी बात है जो लोकसभा में रखता है। तो ये जागृति लेके आए, काम की बात करें तो काम कई काम है जो नागौर में 5 साल में, देखो 75-80 साल से जो व्यवस्था गड़बड़ाई है वो 5 साल में ठीक नहीं होगी, लेकिन हम विश्वास ऐसा हनुमान जी के माध्यम से रखते हैं कि आने वाले जो आगामी 5 साल हनुमान जी बेनीवाल निर्वाचित होकर जाएंगे तो नागौर में खूब सारे विकास के कामकाज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही थे हमारे साथ नागौर की युवा नेता, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे राहुल भाकर, जिन्होंने अपने विचार रखे इस लोकसभा चुनाव में। उनका कहना है ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद नागौर में दिखती नहीं है, नंबर नहीं है उनके कार्यकर्ताओं के पास, इसी चीज़ पर, इसी मुद्दे पर ये चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।